हे गाइस, अगर आप 10,000 की प्राइस में कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपकी जरूर हेल्प करेगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में 3 ऐसे शानदार स्मार्टफोन्स को कंपेयर करूंगा जो कि इस टाइम 10,000 की प्राइस रेंज में आ रहे हैं। मैं इस वीडियो में कंपेयर करूंगा Xiaomi Redmi Note 8, Realme 5 और Vivo का नया आने वाला स्मार्टफोन Vivo U3। अगर आप इन तीनों फोन्स में कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा स्मार्टफोन ले, तो ये वीडियो आपकी जरूर हेल्प करेगी। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको Vivo के नए स्मार्टफोन Vivo U3 के लिए रुकना चाहिए या फिर आपको इस टाइम 10,000 की प्राइस में Xiaomi Redmi Note 8 या फिर Realme 5 में से कोई स्मार्टफोन ले लेना चाहिए। तो चलिए कंपेयर करते हैं तीनों स्मार्टफोन्स को। तो पहले देखते हैं इनकी डिस्प्ले को। तो Redmi Note 8 में मिलती है आपको 6.39 इंच की HD+ डिस्प्ले, जिसका एस्पेक्ट रेशियो 19:5:9 है और ये वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है और इसकी पिक्सल डेंसिटी 395 पिक्सल पर इंच है। और इस स्मार्टफोन में आपको फ्रंट और बैक पैनल पर दोनों ही तरफ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। तो बात करें Realme 5 की डिस्प्ले की, तो इसमें 6.5 इंच की HD डिस्प्ले मिलती है और ये भी वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। इसकी पिक्सल डेंसिटी 270 पिक्सल पर इंच है और इसमें मिलती है आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। बात करें Vivo U3 की डिस्प्ले की, तो इसमें आपको मिलती है 6.53 इंच की फुल HD डिस्प्ले और इसमें भी आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है। इसकी पिक्सल डेंसिटी 395 पिक्सल पर इंच है। तो डिस्प्ले साइज तो इन तीनों स्मार्टफोन का सही है, लेकिन वहीं Realme 5 में मिलती है आपको HD डिस्प्ले, वहीं Note 8 और Vivo U3 में आपको मिलती है फुल HD डिस्प्ले। बात कर लेते हैं तीनों फोन्स के प्रोसेसर की। तो Xiaomi Redmi Note 8 में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 665 प्रोसेसर। ग्राफिक्स के लिए इसमें आपको मिल जाता है Adreno 610। बात करें Realme 5 के प्रोसेसर की, तो इसमें भी Qualcomm का Snapdragon 665 प्रोसेसर है और इसमें भी ग्राफिक्स Adreno 610 मिलता है। बात करें Vivo U3 के प्रोसेसर की, तो इसमें Qualcomm का Snapdragon 675 प्रोसेसर मिलता है और इसमें ग्राफिक्स Adreno 612 मिलता है। तो प्रोसेसर को देखें तो Vivo U3 का प्रोसेसर थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया हो जाता है Realme 5 और Note 8 के प्रोसेसर से। ये गेमिंग और AI के लिहाज से काफी बढ़िया है, लेकिन इन दोनों प्रोसेसर में ओवरऑल कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं इन तीनों फोन्स की रैम और रोम की। तो ये तीनों ही फोन्स 4GB तक रैम और 64GB तक इंटरनल स्टोरेज के साथ आते हैं। वहीं Redmi Note 8 512GB तक के माइक्रो SD कार्ड को सपोर्ट करता है, Realme 5 256GB तक के और Vivo U3 भी 256GB तक के माइक्रो SD कार्ड को सपोर्ट करता है। बात कर लेते हैं अब इन तीनों फोन्स के कैमरास की। रियर कैमरा सेटअप जिसमें 48MP प्लस 8MP प्लस 2MP प्लस 2MP के 4 कैमरे मिलते हैं। वहीं Realme 5 में भी आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, लेकिन इसमें 12 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 के 4 कैमरे मिलते हैं। वहीं Vivo U3 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 16MP प्लस 8MP प्लस 2MP के 3 कैमरे मिलते हैं। तो रियर कैमरे के हिसाब से तो इन तीनों फोन्स में से ज्यादा बढ़िया निकल के आता है Redmi Note 8, जिसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है और प्राइमरी कैमरा 48MP का है। और कैमरा की इमेज रेजोल्यूशन भी आपको Redmi Note 8 में ज्यादा देखने को मिलेगी, इसमें आपको 8000x6000 पिक्सल की इमेज रेजोल्यूशन मिलेगी। वहीं Realme 5 और Vivo U3 की इमेज रेजोल्यूशन 4000x3000 पिक्सल है। तो बात करें इन तीनों फोन्स के फ्रंट कैमरे की, तो Redmi Note 8 में आपको 13MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, वहीं Realme 5 में भी 13MP का फ्रंट कैमरा है और Vivo U3 में आपको 16MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। अगर बात करें इन तीनों फोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये Android 9 पाई पर रन करते हैं, लेकिन Redmi Note 8 में मिलती है आपको MIUI कस्टम स्किन, वहीं Realme 5 में आपको कलर OS कस्टम स्किन मिलती है, वहीं Vivo U3 में फन टच OS कस्टम स्किन देखने को मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं इन तीनों फोन्स की बैटरी की। तो Redmi Note 8 में आपको 4000mAh की बैटरी मिलती है, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और खास बात यह है कि इसमें फास्ट चार्जर आपको इन द बॉक्स देखने को मिलेगा। वहीं Realme 5 में 5000mAh की बैटरी है, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करती है। बात करें Vivo U3 की बैटरी की, तो इसमें भी 5000mAh की बैटरी है, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो कंक्लूजन देखें तो इन तीनों स्मार्टफोन में से Redmi Note 8 और Vivo U3 दोनों स्मार्टफोन काफी बढ़िया निकल कर आते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन में आपको बढ़िया डिस्प्ले मिलती है, लेकिन रियर कैमरे के हिसाब से Redmi Note 8 काफी बढ़िया है Vivo U3 से। वहीं Vivo U3 में आपको Redmi Note 8 से ज्यादा बढ़िया बैटरी देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें 5000mAh की बड़ी बैटरी है, जो कि फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। तो अब बात कर लेते हैं इन तीनों फोन्स की प्राइस की। तो Redmi Note 8 की प्राइस Amazon पे इस टाइम 9999 रुपए है। वहीं Realme 5 का 4GB 64GB वेरियंट भी आपको 9999 रुपए में मिल जाएगा। वहीं Vivo U3 अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन चीन में इसकी प्राइस 10,000 रुपए है। तो इस हिसाब से इंडिया में भी इसकी प्राइस अराउंड 10,000 ही होगी। अगर आपके लिए कैमरा मैटर करता है, तो आपको लेना चाहिए Xiaomi Redmi Note 8। वहीं आपके लिए बैटरी मैटर करती है, तो आप Vivo U3 के साथ जा सकते हैं। तो इन तीनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बढ़िया लगा, अपने ओपिनियन को कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसमें टेक और लेटेस्ट स्मार्टफोन की वीडियोस बनाता रहता हूँ। शुक्रिया।